में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, विधेयक पारित हुआ। अब निजी गैर सरकारी विधेयक, रतनलाल कटारिया जी, थैंक यू महोदय। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन से, जो 19 जुलाई 2017 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है। प्रश्न यह है कि जो ये 34th रिपोर्ट है, उसको स्वीकृत किया जाए। स्वीकृत हुआ 19 जुलाई 2017 का जो प्रस्ताव है, स्वीकृत किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक के प्रस्थापन का डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, 47 पूरा है ना। श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा दो बच्चों के मानक और बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर रखने को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की देखरेख करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने, दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने, ग्रामों में मनोरंजन केंद्रों की स्थापना करने, किसी परिवार के लिए संतान पैदा करने के लिए कतिपय न्यूनतम मानक नीतियों को बनाने और तत्संगत या उसके आनुषांगिक विषयों को उपबंद करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, आप तो बोलिए कम से कम। जब विपक्ष में ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। स्थापित करता हूँ 48। लैंगिक उत्पीड़न तथा बालत्संग के पीड़िताओं और प्लेसमेंट एजेंसियों, दलालों और दुर्व्यापारियों द्वारा बलात् घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने या देह व्यापार करने के लिए कमजोर वर्गों तथा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्व्यापार की शिकार बालिकाओं और महिलाओं के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास उपायों और उन्हें पर्याप्त प्रतिकर का भुगतान करने, ऐसी सभी पीड़िताओं के लिए केमिस्टिक और अन्य अपेक्षित शल्य चिकित्साओं सहित उपचार की पूरी लागत राज्य द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य तथा तत्संगत और उसके आनुषांगिक विषयों को उबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। केवल इतना कहने से काम चलेगा कि पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए, वो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। 49। श्रीमान, में 49वें विधेयक को प्रस्तापित करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। जी, प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। पुनर्स्थापित करता हूँ 50। श्रीमान, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि देश में किसी भी प्रकार की रूप में धर्म और संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिषेध करने और उससे संसंगत या उसके आनुषांगिक विषयों को उबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, हाँ, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ श्रीमान। आइटम नंबर 52, सत्यपाल सिंह जी। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संबंधित सशक्त उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने में की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापन की अनुमति दी। समय विधेयक पुनर्स्थापित करने के। सीरियल नंबर 56, ये मुरली मोहन।
move for leave to withdraw the special financial assistance to the state of Andhra Pradesh, Bill 2015. आप विड्रॉ करते हैं इसको? विड्रॉ कर। प्रश्न यह है कि यह मुरली मोहन को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाए, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, हाँ, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, वापस लेने की अनुमति दी गई। आई विड्रॉ बिल सर। क्रम संख्या 11 श्री योगी आदित्यनाथ, क्रम संख्या 12 श्री योगी आदित्यनाथ, क्रम संख्या 13 डॉक्टर उदित राज। महोदय थैंक यू, धन्यवाद। आई बेग टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू इंश्योर स्पीडी रिमूवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थ्रू टारगेटेड एक्सपेंडिचर ऑन ए स्पेशल स्कीम फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापन करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। आई इंट्रोड्यूस द बिल, थैंक यू। डॉक्टर भोला सिंह नहीं है, डॉक्टर भोला सिंह नहीं है, श्री पी करुणाकरण। I may be permitted to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। आइटम नंबर 17 श्री पी करुणाकरण। सर I may be permitted to move for leave to introduce a bill further to amend the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। I introduce the bill. 18 Sir I may be permitted to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। 19 I may be permitted to move for leave to introduce a bill further to amend the Delhi Metro Railway Operation and Maintenance Act 2002. विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। I introduce the bill. 20 श्री महेश गिरी। महोदय मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि बालिकाओं में गर्भाशय कैंसर के निवारण के लिए जागरूकता पैदा करने, गर्भाशय कैंसर में अनिवार्य टीकाकरण तथा उससे संसक्त विषयों के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में है हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। विधेयक को मैं पुरस्थापित करता हूँ। डॉक्टर उदित राज 21 आई बेग टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द Privation of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। I introduce the bill. 22 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। Sir, I introduce the bill. क्रम संख्या 23 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Sir, I beg to introduce a bill further to amend the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। Sir, I introduce the bill.
24 Srimati Meenakshi Lekhi. So I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। सर इंट्रोड्यूस द बिल। क्रम संख्या 25 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। सर आई बेग टू मूव टू लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। सर इंट्रोड्यूस द बिल। 26 श्री महेश गिरी। महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में है हाँ कहे, जो विपक्ष में है ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ। 27 श्री महेश गिरी। महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि निजी हॉस्टल और पेइंग गेस्ट आवास केंद्र के विनियमन हेतु बोर्ड का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ। आइटम क्रम संख्या 28 श्री महेश गिरी। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि भारतीय दंड संहिता 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में है ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ। क्रम संख्या 29 श्री निशिकांत दुबे। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यथित, असक्त, उपेक्षित, परित्यक्त और अनंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखभाल, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाला आवश्यकता आधारित पुनर्वास और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संग तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में है ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। क्रम संख्या 29 श्री निशिकांत दुबे। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक प्रस्थापित करता। 31 निशिकांत दुबे जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहे, जो पक्ष में ना कहे, पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक प्रस्थापित करता। 32 श्रीमती दर्शना विक्रम। नहीं है। 33 श्रीमती दर्शना विक्रम। 34 श्रीमती दर्शना विक्रम। 35 डॉक्टर मनोज राजौरिया। नहीं है। 36 डॉक्टर मनोज राजौरिया। नहीं है। 37 श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं है। 38 श्री राघव लखनपाल। नहीं। 39 श्री सुशील कुमार सिंह। 40 श्री सुशील कुमार सिंह। 41 श्री राजीव सतब। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिंगोली में मुंबई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहे, पक्ष में है ना कहे, पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ। क्रम संख्या 42 डॉक्टर ए संपत। नहीं है। क्रम संख्या 43 श्री गोपाल चिन्मय सेट्टी।
नहीं है, 44 श्री गोपाल चिन्मय सेठी नहीं है, 45 श्री राजीव सातव। सभापति जी, आई बेग टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन इन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट फॉर सर्टन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर बिकमिंग अ फादर एंड टू प्रोवाइड फॉर पैटर्निटी बेनिफिट्स एंड सर्टन अदर बेनिफिट्स। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, पक्ष में ना कहें, पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। आई इंट्रोड्यूस द बिल। 46 श्रीमती दर्शना विक्रम, 51 श्री शंकर प्रसाद दत्त। Honorable Chairman, sir, I like to move for leave to introduce a bill to provide for regulation of work of domestic workers in order to improve their working conditions and to provide social security to them, setting up of state and district boards for the purpose and for compulsory registration of domestic workers, employers and service providers to such boards, and also for setting up of domestic workers social fund and for matters connected thereto or incidental thereto। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। क्रम संख्या 53 श्री वैजंत पंडा जी। सर, आई request leave to introduce a bill to codify and safeguard the right to privacy in the digital age and constitute a data privacy authority to protect personal data and for matters connected therewith। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में है वहां कहें, हां, विपक्ष में ना कहें, हां के पक्ष में बहुमत है, हां के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। क्रम संख्या 54 श्री नरेंद्र केशव स्वाइकर। I request to leave to move introduce a bill to provide the socio-economic protection and welfare of the fishermen of the coastal states of the country by establishing a welfare fund for their benefit and for providing adequate life insurance cover against the accidents, medical care, financial assistance for fishing nets, boats and other necessities, unemployment allowance during a lean periods, free education including vocational education and training to their children and for matters connected and concern incidental thereto। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। आई इंट्रोड्यूस द बिल। 55 श्री बालका सुमन। Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to amend the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 to be used voluntarily and the issues related to privacy and national security। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें, हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है, अनुमति दी गई। I introduce the bill।